بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سورہ توحید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی گویا اس نے ون تھرڈ آف دا قرآن ایک صرف میں قرآن اس نے پڑھ لیا. تو کیوں یہ کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ اس کی علماء نے جو بیان کی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید نے تین اصولوں کے اوپر بحث کی ہے، عقائد، احکام اور اخلاق. تو چونکہ یہ ایک سورہ عقائد سے مربوط ہے، ون تھرڈ آف دا قرآن کا عنوان بحث ہے، لہذا اس کی تلاوت سے ایک صبح میں قرآن کا ثواب انسان کو ملتا ہے. اب سورہ توحید کی فضیلت کے حوالے سے رسول خدا سے روایت ہے کہ آپ اپنے اصحاب کے درمیان کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں کہ کیا تم لوگ روزانہ ایک صبح میں قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ تو کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی ہر روز ایک تیسرا حصہ قرآن کا ختم کر دے؟ تو پیغمبر نے فرمایا، تم سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اگر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو تو گویا تم نے ایک سبوم قرآن کا ختم کر لیا. اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب رسول خدا نے سعد بن معاذ کی نماز جنازہ پڑھائی، رسول خدا کے اصحاب میں سے ایک سعد بن معاذ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تو نماز جنازہ کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی، اور ان 70,000 فرشتوں میں ایک سردار ملائکہ حضرت جبرائیل بھی تھے. تو میں نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یا جبرائیل، کیا بات ہے کہ سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی ہے اور آپ بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک رہے؟ کس چیز کا یہ اجر اللہ نے دیا ہے کہ 70,000 فرشتے شرکت کریں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اٹھتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھتے تھے، بیٹھتے تھے تو سورہ اخلاص پڑھتے تھے،
सवारी पर सवार होते थे तो सूरह तौहीद पढ़ते थे, सवारी से उतरते थे तो सूरह इखलास पढ़ते थे, घर के बाहर निकलते थे तो सूरह तौहीद पढ़ते थे, घर में दाखिल होते थे तो सूरह तौहीद की तिलावत करते थे। चूंकि ये पाबंद थे सूरह इखलास की तिलावत करने की, लिहाजा उसके बदले में अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को इनके लिए मगफिरत, दुआए मगफिरत करने के लिए भेजा था। तो ये भी फजीलत है। एक और रिवायत है, ये भी छठे इमाम से है कि अल्लाहु अकबर, इंसान पंचगाना नमाज पढ़े लेकिन नमाजों में सूरह तौहीद ना पढ़े, सूरह इखलास ना पढ़े, तो इमाम फरमाते हैं कि फरिश्ते उससे आवाज देकर कहेंगे कि या अब्दुल्लाह लस्ता मिनल मुसल्लीन, ए बंदा खुदा तू नमाज गुजारों में से नहीं है। नमाज उसने पढ़ी है लेकिन फिर भी फरिश्ते कहेंगे कि तू नमाज गुजारों में से नहीं है। क्यों? इसलिए कि सूरह इखलास की उसने तिलावत नहीं की है। और पैगंबर फरमाते हैं कि जो भी खुदा और क़यामत पर ईमान रखता हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो सूरह इखलास की तिलावत करता रहे। क्यों? इसलिए कि जो भी इस सूरह की तिलावत करेगा खुदा उसे दुनिया व आखिरत में खैर अता करेगा। तिलावत करने वाले के गुनाहों को, उसके वालिदैन के गुनाहों को और उसकी औलाद के गुनाहों को बख्श देगा। मुसलसल सूरह इखलास की तिलावत का ये सवाब है। अब तक जो हमने ये रिवायत वगैरह सब बयान किए, ये तफसीर नमूना आयतुल्लाह मखारिज शिराजी से बयान किया, उससे हटकर अब दूसरी किताब से एक दो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। फिर एक रिवायत है, ये भी छठे इमाम से है कि आप फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान 3 दिन तक सूरह इखलास ना पढ़े, उसे नमाज पढ़ने की भी तौफीक नहीं हुई, नमाज भी नहीं पढ़ा और सूरह तौहीद भी उसने अलग से नहीं पढ़ा, तो इमाम फरमाते हैं कि जो भी 3 दिन तक सूरह इखलास की तिलावत ना करे तो खुदावंद आलम ईमान की दौलत को उससे छीन लेता है, बगैर तौबा के मरे तो वो कुफ्र की मौत मरता है। अल्लाहु अकबर, है ना। यहाँ तक इसकी फजीलत बयान की गई है। इसके आसार और बरकत में से नमूने के तौर पर एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि मौलाए कायनात बयान करते हैं कि जो भी रोजाना, अब रोजाना से मुराद 24 आवर्स, चाहे आप रात में हो या दिन में, 100 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह और 100 मरतबा सूरह कदर, दोनों को मिला के 100-100 मरतबा अगर कोई इंसान पढ़ता है तो खुदावंद आलम बदले में उसके मरने के बाद एक नूर, इससे पहले के पढ़ने वाले को दाखिल किया जाए, मुर्दे को दाखिल किया जाए, एक नूर को दाखिल कर देता है जो कब्र को नूरानी अता करता है। और फिर वो नूर हमेशा मुर्दे के आगे आगे रहेगा हर मंजिल में, यहाँ तक कि उसे जन्नत की रहनुमाई भी कर देता है, जन्नत तक भी वो नूर पहुंचा देता है, है ना। 100 मरतबा तिलावत करता रहे आदमी। और इस सूरह की तिलावत के बारे में बयान किया है कि बास बीमारियों का इलाज भी इस सूरह से इंसान हासिल कर सकता है। जैसे बुखार है, सूरह तौहीद की तिलावत करके दम करे और जिसे बुखार है उसे पिलाया जाए तो इंशाल्लाह शफा हासिल होगी। आंखों के दर्द के लिए ये सूरह की तिलावत करना मुफीद है। दांतों में तकलीफ के लिए भी इंसान इस सूरह की तिलावत कर सकता है। इसके अलावा हिफाजत के लिए, सेफ्टी के लिए, दिन भर की हिफाजत के लिए रिवायत में है कि जो भी इंसान घर से निकलते वक्त या सुबह उठते ही 11 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है तो पूरे दिन की बलाओं से वो महफूज रहता है। और अगर कोई सोने से पहले 11 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करता है, जो कि हर इंसान को याद रहता है, तो सोने से पहले अगर कोई तिलावत करे तो रात भर की मुसीबतें जो उस पर आने वाली हैं वो सारी मुसीबतें टल जाती हैं, मुसीबतों और बलाओं से वो और उसके घर वाले और खुद उसके घर की भी
हिफाजत हो जाती है। फ़क्र व तंगदस्ती से दूर रहने के लिए मुसलसल इस सूरे की तिलावत करना ज़रूरी है। इसी तरीके से एक फ़ायदा इसका यह है कि इस सूरे की तिलावत से गुनाहों की बख्शी भी होती है, दुआओं की कबूलियत, इंसान बहुत दुआ करता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, तो हर दुआ से पहले 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर वो दुआ करता है तो इंशाल्लाह उसकी दुआ कबूल होती है। इसी तरीके से घर में और ज़िंदगी में और हत्ता कि इंसान अपनी उम्र में वो बरकत चाहता है कि उसकी उम्र तवील हो, तो उसके लिए भी सूरह की सूरह इखलास की तिलावत फ़ायदा मंद है। इंशाल्लाह खुदावंद आलम हम सबको वाकई मानों में कुरान के मारिफ को समझकर तिलावत करने और तिलावत के बाद उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.